अफगानिस्तान में तालिबान के आतंक से अमेरिका, भारत समेत कई देशों के नागरिक एवं सहयोगी मुश्किल में हैं। वे किसी भी तरह अफगानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी कराने के लिए भारत सरकार भरकस प्रयास कर रही है। भारतीय वायुसेना के बड़े बड़े सैन्य विमान लोगों को अफगानिस्तान से ला रहे हैं। अभी एक विमान काबुल एयरपोर्ट से गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट पर उतरा है। इस विमान में करीब 150 भारतीय स्वदेश लौटे। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान गुजरात के जामनगर में उतरा। भारत की धरती पर लौटते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। वतन वापसी होते ही जामनगर एयरबेस पर भारतीयों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। अफगानिस्तान की राजधानी पर तालिबान के कब्जे के बाद कई अन्य देशों ने वहां स्थित अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। इससे पहले भारतीय वायुसेना का C-19 विमान सोमवार को अफगानिस्तान से कुछ कर्मियों को लेकर भारत लौटा था और मंगलवार को दूसरा विमान भारत आ गया है। हालांकि काबुल में अभी भी कई भारतीय फंसे हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत काबुल में हालात पर लगातार नजर रख रहा है। बता दें कि तालिबान के कब्जे के बाद से ही काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट से सभी कमर्शियल फ्लाइट्स को उड़ान भरने से रोक दिया गया है। एयरपोर्ट के अनियंत्रित घोषित होने के बाद एयर इंडिया ने सोमवार को काबुल के लिए संचालित होने वाली अपनी उड़ान रद्द कर दी।